राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से कक्षा पहली से आठवीं तक के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी। इस वर्ष शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु जुलाई में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्र छात्राओं के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए, जिसके कारण से अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं शिक्षण सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति से वंचित हो गए, जो कि अनुचित है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कक्षा पहली से कक्षा आठवीं छात्र छात्राओं को RTI के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता शाहरुख मिर्जा का कहना है कि 25% छात्र छात्राएं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, उनमें भी केवल वे छात्र छात्राएं जो कि पात्र हैं और उन्हें भी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश मिल पाता है। बाकी अन्य छात्र छात्राओं के द्वारा अशासकीय विद्यालय में फीस के माध्यम से ही अध्ययन कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शासकीय विद्यालयों में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 दी जाती है, उसे भी बंद कर दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग में सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध आदि समाज मौजूद है और हम ज्ञापन के माध्यम से सभी अल्पसंख्यक समुदाय के हक की आवाज़ बुलंद करने आए हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज ये जो हमारा ज्ञापन था, ये ज्ञापन जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पहली से आठवीं तक की क्लास के बच्चों की छात्रवृत्ति NSP पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू करके बताया है कि RTE में बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पूरी तरीके से छात्रवृत्ति बंद करी। इसमें सिर्फ RTE की नहीं बंद करी, टोटल बच्चों की छात्रवृत्ति पहली से आठवीं तक के बंद कर दी है। आपको मैं बता दूं कि RTE की जो सीटें रहती है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में 25% मात्र रहती है। उसका एक अमूमन आकलन लगा तो 5 सीट रहती है। गवर्नमेंट में कोई RTE नहीं रहते, सब निःशुल्क पढ़ते हैं। बाकी के जो बच्चे भी पढ़ते हैं वो पैसे दे के पढ़ते हैं, तो उन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दिए। और आपको मैं एक बात मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ये भी पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो है, इसमें अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, ये सभी समुदाय इसके अंदर आते हैं। इस सभी समुदाय के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा छोटा छात्रवृत्ति एक प्रोत्साहन राशि रहती है गरीब जनता के लिए, गरीब परिवार के लिए, जो कि उनके पढ़ाई में आगे के लिए फ़ायदेमंद रहती है। आज सरकार ने ये अपना एक रास्ता बनाया है छात्रवृत्ति बंद करके। कल OBC छात्रवृत्ति भी बंद कर सकती है अगर आवाज़ नहीं उठाई तो, परसों ST/SC छात्रवृत्ति भी बंद होगी, और जो महिलाओं की प्रोत्साहन राशि, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनकी भी प्रोत्साहन राशि ये गवर्नमेंट बंद कर सकती है। एक तरीके से ये भी देखा जाए कि दुनिया, देश पढ़ाने के लिए अपने देश के बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जा रही है, किस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है, और हमारे देश में छात्रवृत्ति बंद करके कहीं ना कहीं शिक्षा में ये जो सत्ताधारी पार्टी है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है, ताकि बच्चे ना शिक्षित हो, ना पढ़े लिखे, ना अपने हक की आवाज़ उठाए और ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।